फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे टीचिंग पोजीशंस की, टीचिंग वैकेंसी की, जो कि 2020 में आई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 24 जन। और सैलरी जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1,44,200 तक की इसमें सैलरी है। तो ये पोजीशन है थोड़ा सीनियर लेवल की, तो इस बारे में हम देखेंगे। जिन भी बच्चों को एक्सपीरियंस है तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और अपने लिए फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो आई उसके अपडेट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, कि क्या क्या डेट्स इम्पोर्टेंट हैं। तो क्लोजिंग डेट जो है इस ऑनलाइन ऑफ एप्लीकेशन की, वो है आपकी 24 जनवरी 2020, यानी कि 24 जनवरी 2020 तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसी डिटेल्स की, तो प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है इसमें 5 पोस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है इसमें टोटल 17 पोस्ट। तो टोटल 22 पोस्ट है जो आप देख सकते हैं। 5 पोस्ट है प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 17 पोस्ट। पे स्केल इसमें लेवल रहेगा आपका 14। प्रोफेसर के लिए है 1,44,200 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी 1,31,400। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें अगर प्रोफेसर के लिए, तो वो है आपकी की फर्स्ट क्लास इन पीजी विद मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में एक रेलिवेंट मैनेजमेंट डिसिप्लिन में आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए। 2 ईयर्स फुल टाइम पीजी डीएम डिक्लेयर इक्विवेलेंट बाय द एआईयू एक्रीडिटेड बाय द एआईसीटीई यूजीसी और फर्स्ट क्लास इन एमटेक या मास्टर्स ऑफ डिग्री इन रेलिवेंट ब्रांच। तो आपके पास मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके साथ आपका पीजीडीएम, अगर आपने पीजीडीएम किया है 2 ईयर्स का तो वो भी चल सकता है आपका, या फिर आपने फर्स्ट क्लास किया है एमटेक या मास्टर्स तो वो भी आपका चल सकता है। उसके साथ आपको पीएचडी होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, उसके साथ साथ आपने रिसर्च पेपर लिखे हो, तो जो डिटेल्स है रिसर्च पेपर की उसमें एक 6 और एक में 10 है, तो वो आप नोटिफिकेशन में कंप्लीट जाकर देख लीजिएगा कि आपने कौन से रिसर्च पेपर किए हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है रिसर्च पेपर का, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो उसमें भी आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में विद मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी सेम पोस्ट है आपकी बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की और जो है आपकी इकोनॉमिक्स की। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक्स में, ठीक है, या फिर आपने तो फर्स्ट डिविजन आपने हासिल की हो जो 2 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होता है पीजीडीएम, वो आपने किया हो, या उसके अलावा आपने एमटेक किया हो फर्स्ट क्लास, या मास्टर्स डिग्री आपने रेलिवेंट ब्रांच में फर्स्ट क्लास की हो, या फिर आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हैं एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड सीए हैं, या फिर पोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हैं, या कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ भी आपका रिसर्च पेपर का है तो वो आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो प्रोफेसर के लिए एज लिमिट है आपकी 55 ईयर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी एज लिमिट है 50 ईयर्स, जो कि दोनों में ही आपको एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल कैटेगरी में मिलता है। ओबीसी को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन और एससी एसटी को आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आप पर मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है, तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं http://dtu.ac.in। तो मिरांडा हाउस और डीटीयू दोनों की ये वैकेंसी है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर दोनों ही डिटेल्स जो है आप चेक कर सकते हैं। जॉब लोकेशन कहाँ होगी, ऑब्वियसली दिल्ली होगी, क्योंकि दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और मिरांडा हाउस के लिए, दिल्ली के लिए ही ये पोस्ट है। तो आज दोस्तों इतना ही, आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर इसमें से हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी बच्चे इसके लिए जो भी है इसके लिए एलिजिबल वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।